नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। धामपुर में 8 साल की मासूम के साथ हुई दिल दहला देने वाली वारदात। दरअसल पूरा मामला है थाना धामपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम किरारा खेड़ी का, जहां पर एक मासूम 8 साल की बच्ची अपने माता पिता के पीछे पीछे जंगल की ओर चली गई, लेकिन वह जंगल तक नहीं पहुंच पाई। जब वह जंगल नहीं पहुंची तब उसके माता पिता ने ढूंढना शुरू कर दिया। उसके बाद जब एक के खेत के अंदर से आवाज आई तब उन्होंने जाकर देखा तो बच्ची बदहवास हालत में पड़ी मिली, जिसको देखकर उसके परिजनों के होश उड़ गए। बदहवास हालत में पीड़ित बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुष्कर्म घटना को अंजाम देने वाले आरोपी बालक को गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ संवाददाता इसरार अहमद। नाम है आपका? मेरा नाम इमराना है। इमराना जी, कहाँ का मामला है, क्या हुआ बच्ची के साथ? ये धामपुर के पास हर ढक्के के पास किरार खड़ी है, गाँव का नाम। वहाँ पे मेरा देवर और देवरानी रहती है। ये जंगल बार का काम करते हैं। ये जंगल में गए थे और ये बेटी इनकी पीछे से गई, तो इन्होंने देखा मेरी बच्ची नहीं मिली। फिर इन्होंने देखा कि रोल में अंदर से एक में से आवाज़ आई, इन्होंने देखा तो इनकी बच्ची के साथ बुरा काम हुआ। लड़की बेहोश थी और बहुत ज़्यादा नाजुक हालत में थी ये बच्ची। क्या उम्र है बच्चे की? 10 साल। 8 साल है ना? 8 साल। दिनांक 11/1/2023 को थाना धामपुर के ग्राम किराड़खेरी से बारी यूनुस द्वारा 112 नंबर पर सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पीड़िता को डॉक्टरी परीक्षण के लिए बिजनौर भेजा गया है, जहाँ इसकी स्थिति सामान्य है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर की सभी ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।